मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे सिंजेंटा कंपनी की चेस दवाई के बारे में जी हाँ दोस्तों चेस दवाई का नाम करीब करीब सभी की जुबान पर है और जो किसान गढ़े की खेती करता है चावल की खेती करता है गन्ने की खेती करता है वो चेस दवाई को आराम से जानता है और बहुत सालों से इसका इस्तेमाल कर रहा है लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी जानकारी देंगे जो अभी तक आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिली होगी जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में चेस दवाई की पूरी पूरी उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आप चेस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको चेस्ट दवाई इस्तेमाल में लेनी है कितने लीटर पानी के साथ में इसका घोल बनाना है और कितने एकड़ खेत में आप इसको कर सकते हैं अन्य कोई दवाई मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है ये तमाम जानकारियां देंगे दोस्तों वीडियो के मध्य में महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में और वीडियो के अंत में दवाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों तो दोस्तों अंत तक बने रहिए हमारे साथ में और अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या क्या है जी हाँ दोस्तों ये आप मुख्य रूप से धान में होने वाले भूरा पत्ती टिड्डा के नियंत्रण के लिए उपयोग कर सकते हैं लेकिन साथ साथ में मैं ये भी बता दूं दोस्तों आप इसको कपास में गन्ने में यहां तक कि गेहूं में भी जिसमें भी भूरा पत्ती टिड्डा लगता है मैं आगे आपको फोटो के जरिए इमेज के जरिए चित्र के जरिए भी बताऊंगा कि वो क्या चीज होती है उन सब में आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोस्तों इसका टेक्निकल नाम बता दें आपको इसका टेक्निकल नाम है दोस्तों पाइमेटरोजिन 50% डब्ल्यूजी जहां दोस्तों पाइमेटरोजिन 50% डब्ल्यूजी इसके अंदर आता है और इसकी डोज है दोस्तों 130 ग्राम प्रति एकड़ जो कि हम यूं कह सकते हैं 150 से 200 लीटर पानी में इसको घोल करना है आपको अब 130 ग्राम एक एकड़ की डोज है दोस्तों और एक एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंक लगाने हैं कौन से स्प्रे टैंक जिस एक स्प्रे टैंक में 16 लीटर पानी आता है तो दोस्तों 16 लीटर पानी में मात्र आपको 13 ग्राम एविसेंट दवाई डालनी है 16 16 लीटर पानी में मात्र 13 ग्राम दवाई डालनी है और पूरे एक एकड़ में आपको 130 ग्राम दवाई डालनी है जहां दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बातों की जहां दोस्तों धान में आने वाले भूरा पत्ती टिड्डा के नियंत्रण के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है आगे मैं आपको चित्र के जरिए बताऊंगा कि भूरा पत्ती टिड्डा होता कैसा है जो कीट इसके सीधे संपर्क में नहीं आते ये उनको भी रोकता है मतलब भूरा पत्ती टिड्डा ही नहीं तमाम कीटों को रोकता है जो इसके सीधे संपर्क में नहीं आ पाते उनको भी ये रोकता है कीट स्प्रे के संपर्क में आते ही खाना बंद कर देते हैं और कुछ दिनों में मर जाते हैं इसका प्रथम छिड़काव कीट के दिखाई देने पर करें और अगला छिड़काव आवश्यकता अनुसार करें अधिकतम दो स्प्रे का छिड़काव करें पहला तो कीट दिखाई देने पर और अगला उसके 20 से 25 दिन बाद अगर आपको जरूरत लगती है तो आप कर सकते हैं दो से ज्यादा स्प्रे इसके नहीं करने हैं बेहतर परिणाम के लिए अच्छे चिपकू गोंद का इस्तेमाल करें चिपकू एडजोवेंट सर्फेक्टेंट आप उसको कुछ भी कहें गोंद कहें स्टिकर कहें उसका इस्तेमाल करें चाहे बारिश हो रही हो चाहे बारिश नहीं हो रही हो तो भी उसी का इस्तेमाल करें उचित तापमान में ही दवाई का स्प्रे आपको करना है ज्यादा गर्मी में स्प्रे नहीं करना है सुबह के समय शाम के समय अच्छे ठंडे वातावरण में अच्छी नमी में ही आपको दवाई का स्प्रे करना है इसका इस्तेमाल एफिड जेसिड व्हाइट फ्लाइट प्लांट होपर को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है मतलब भूरा पत्ती टिड्डा नियंत्रण के साथ साथ एफिड जेसिड्स प्लांट ऑपर और तमाम तरह के थ्रिप्स माइट्स पे भी कर सकते हैं अब दोस्तों आप और देखिए रोग निरोधी उपयोग चावल के खेतों में बीपीएच के नियंत्रण के लिए इसकी रोग निरोधी उपयोग की सिफारिश की जाती है यह ऐसा होता है दोस्तों बुरा पत्ता टिड्डी नियंत्रण और ताले ताले लगा देता है इसीलिए इसका नाम है चेस कार्रवाई की विधि पिछले पैरों को पंगु बना देता है दूध पिलाने से पीछे हटना पड़ता है और आगे अंडे देने की रोकथाम कर देता है कीटों में उनका प्रजनन शक्ति खत्म कर देता है नए कीट पैदा ही नहीं हो पाते और जो कीट लग रहे हैं उनको एक से दो दिन में निपटा देता है कीट का, कीट का पर प्रभाव इसकी तीन तरफा कार्रवाई के कारण कीट भूख से मर जाता है और नीचे गिर जाता है यह है इसकी तमाम तरह की खूबियां इसकी महत्वपूर्ण बातें और इसका काम करने का तरीका दोस्तों अगर धान की खेती करें तो बिना चेस के आप कभी भी मत करिए दो बार इसका स्प्रे करें बहुत ही जोरदार चमत्कारिक परिणाम दिखेगा यह थी इसकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां अब बात कर लेते हैं सावधानियों की जहां दोस्तों क्योंकि यह भी एक जहरीला पदार्थ है तो बच्चों को इन दवाइयों से आपको दूर रखना है जब भी आप दवाई का इस्तेमाल करें तो हाथ के दस्ताने मुंह पे मास्क हमेशा लगाना है भूखे पेट कभी भी दवाई का स्प्रे नहीं करना है अच्छा सा आहार लेकर भोजन लेकर ही दवाई का स्प्रे करना है और बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नेपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करना है और डिब्बो पैकेट को तोड़ मड़ोड़ कर आबादी से दूर नष्ट कर देना है जमीन में गाड़ देना है इस्तेमाल करने के बाद चाहे प्लास्टिक का डिब्बा हो कागज का डिब्बा हो या फिर टिन का ही डिब्बा क्यों ना हो उसको अन्य किसी उपयोग में नहीं लेना है हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है दोस्तों जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी आसपास के खेतों में ना लगे और दवाई आपके शरीर पर भी ना लगे दवाई का जहां इस्तेमाल होना है वहीं दवाई पहुंचे ताकि आपकी लागत भी बचे आपका समय भी बचे और आसपास की फसलों में नुकसान भी नहीं हो मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में मछली पालन के क्षेत्र में दवाई का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है और अंतिम आवेदन जब भी आप दवाई का करें उससे 20 दिन बाद में आपको फसल काटने जाना है उससे पहले फसल नहीं काटनी है ये तमाम सावधानी आपको अक्सर अपनानी है दोस्तों जब भी आप चेस दवाई का इस्तेमाल करें और ये पूरी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए यदि सारी जानकारी चेस दवाई के बारे में में आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे सिंजेंटा कंपनी की ही एम्प्लीगो दवाई के बारे में जहां दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे दोस्तों नमस्कार